छंदोकन स्पर्धा में प्रतिभागी सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। मैं हूं जगदानंद झा और आज आपको अनुष्टुप छंद और इंद्र वज्रा छंद के बारे में यहां कुछ कहने जा रहा हूं। आज जिन लोगों ने विश्व संस्कृत कुटुंबकम समूह पर प्रतिभाग किया है, उन्होंने यहाँ पर छंदों का परिचय पूर्वक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। प्रज्ञेश, प्रवीण और अरुण कुमार तिवारी ने बहुत ही अच्छे स्वरों में गाकर छंदों का यहाँ परिचय दिया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कल डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी का व्याख्यान हुआ था, जिसमें उन्होंने छंदों के बारे में संक्षेप में परिचय दिया था। संस्कृत के वे अनन्यतम कवि हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और कुछ कहने से पहले मैं स्तुति रूप में भगवान शिव और पार्वती की स्तुति कर रहा हूँ, जो आज का प्रकृति विषय है अनुष्टुप छंद, उसी में ही अपनी स्तुति करूँगा। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास मंगल स्तुति करते हैं अनुष्टुप छंद में। आप जानते ही होंगे कि लौकिक काव्यधारा के आदि कवि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंदों के द्वारा ही वाल्मीकि का आरंभ करते हैं। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम्। और उसके बाद तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकेर मुनि पुंगवम। अनुष्टुप छंद में ही काव्य की धारा बहाई है महर्षि वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण में। कल जैसा कि रसराज जी ने अपने व्याख्यान में छंद का परिचय दिया है, मैं भी अपने व्याख्यान के आरंभ में थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक छंद के बारे में विधिवत जानकारी नहीं हो, छंदों के लक्षण को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। कहा गया है कि षडंगों में भगवान वेद का पाद छंद को माना गया है, छंदः पादोत वेदस्य। इसे छंदो विचिति के नाम से भी जाना जाता है। वेद पाठ करते समय भी हम उस मंत्र का छंद ऋषि का स्मरण करते हैं। बिना छंद ज्ञान के वेद मंत्रों का पाठ भी नहीं किया जा सकता। वेद में मुख्यतः सात छंदों के प्रयोग हुए हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती छंद मुख्य हैं। अथर्ववेद में भी कहा गया है सप्त छंदांसी। वेद के सात छंद होते हैं। वैदिक छंद में जो नियम कहे गए हैं, वह नियम लौकिक छंद में लागू नहीं होते हैं। छंदों के नाम तो समान हैं, परंतु दोनों के नियमों में थोड़ा सा अंतर आता है। लौकिक छंदों के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें श्रुतबोध, वृत्तरत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी और क्षेमेंद्र कृत सुवृत्त तिलकम मुख्य है। हम अपने व्याख्यान में मुख्य इन्हीं ग्रंथों से आपको छंदों का लक्षण बताएंगे और उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। सुवृत्त तिलकम एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर बताया गया है कि कौन सा छंद किस रस के अनुकूल है, अर्थात
जब हम किसी रस की या रस के अनुकूल कोई कथानक कहते हैं तो वहां पर किस छंद का विधान किया जाए, यह वर्णन हमें सुवृत्त तिलक नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। वहां पर इसका बहुत ही सरस वर्णन है। काव्य के भेदों में तीन भेद मुख्यतः किए गए हैं। तीन भेद हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। गद्य काव्य के बारे में आप जानते ही हैं, जहां छंदोमुक्त रचनाएं की जाती है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं, और जहां छंदोबद्ध रचना होती है उसे पद्य काव्य कहा जाता है। जहां गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण किया जाता है, जो मिश्रित ग्रंथ होते हैं उसे हम मिश्र काव्य कहते हैं। प्रस्तुत आज का जो व्याख्यान का विषय है, इसमें हम पद्य काव्य की चर्चा करेंगे, पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम यह जान लें कि पद्य क्या है। पद्य अर्थात पौ, चार पद्य अर्थात पौ होते हैं किसी भी श्लोक के, चार चरण होते हैं। पद्य के मुख्यतः दो भेद हैं, एक को हम कहते हैं वृत्त और दूसरे का नाम है जाति। एक का नाम है पद्य और दूसरे का नाम जाति। पद्य के ये दोनों भेद हैं। वृत्त में वर्णों अर्थात अक्षरों की गणना की जाती है, जहां पर वर्णों की गिनती करके हम सुनिश्चित करते हैं कि यह कौन सा छंद है, उसे हम वृत्त कहते हैं। और जहां मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जैसे वर्ण अर्थात अक्षरों की गणना अनुष्टुप छंद में की जाती है, इसीलिए यह अनुष्टुप जो छंद है इसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। जबकि इसके विपरीत, जो आगे के व्याख्याता आपके सामने रखेंगे आर्या के बारे में, वह आर्या या गीति छंद यह मात्रिक छंद है। वृत्त छंद में भी, वृत्त पद्य में भी इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है समवृत्त, दूसरा होता है अर्ध समवृत्त और तीसरा है विषमवृत्त। अब समझिए समवृत्त किसे कहते हैं। जहां पर दूसरा पाद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक श्लोक में चार पाद होते हैं, तो चार पादों में से दूसरा और चौथा पाद जिसमें समान होता हो उसे समवृत्त कहते हैं। और जहां पर तीसरा पाद और पहला पाद और पुनः दूसरा पाद और चौथा पाद ये समान हो उसे अर्ध समवृत्त कहते हैं। और विषमवृत्त उसे कहते हैं जिसके चारों चरणों के लक्षण अलग अलग हों, उसे हम विषमवृत्त कहते हैं। इस प्रकार वृत्त के दो भेद हुए, एक वार्णिक दूसरा मात्रिक। और पुनः वृत्त के तीन भेद होते हैं, समवृत्त, विषमवृत्त और अर्ध समवृत्त। यह जो अनुष्टुप छंद है यह वृत्त है, समवृत्त है, क्योंकि इसके दूसरे चौथे चरण जो होते हैं वो समान होते हैं। जबकि हरिणप्लुता जैसे कुछ छंद हैं वो अर्ध समवृत्त होते हैं। अब यह देखना है कि हम छंदों को पहचाने कैसे, कैसे पता करें, वह कौन सा उपाय है, टूल्स है, जिसके द्वारा हम छंदों में वर्णों की गिनती करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र दिया गया है, आपको शायद याद होगा, यमाता राज भान सलगाह। कई लोग इसे यमाता राज भान सलगम भी कहते हैं। पूर्व के व्याख्यान देने वाले विद्वान इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा परिचय दे दें ताकि आपकी आवृत्ति हो जाए।
यमाता राज भानसलगाह में 10 वर्ण हैं। इसमें से अंतिम ज स ल गाह, ल गाह ल अर्थात लघु, ग अर्थात गुरु, और शेष जो है य म त र ज भ न स ल, ये 8 जो होते हैं इसके गण बनते हैं। 3-3 अक्षरों के एक एक गण बनते हैं। जैसे य मा ता, इसको लगा करके हम यमाता बनाते हैं, 3 वर्णों का एक गण हो गया। ऐसे ही आप मा तारा कर लेंगे, ताराज कर लेंगे, तो एक एक गण हो जाएगा। तो 3-3 मात्राओं का एक वर्ण बनाते हैं। जबकि आगे के व्याख्यान में आपको आर्या के बारे में बताया जाएगा, वह आर्या में 4 मात्राओं का एक वर्ण बनता है। यही फर्क है आर्या में और अनुष्टुप में। अनुष्टुप में वर्णों की गिनती नहीं होती है, इसके लक्षण और उदाहरण हम बाद में बताएंगे। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि कहां लघु होता है और कहां गुरु होता है। लघु आप जानते ही हैं, ह्रस्व अक्षर को, ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु कहा जाता है, इतना तो आप जानते हैं। जहां अनुस्वार का प्रयोग होता है और विसर्ग का होता है उसे भी गुरु माना जाता है, और जिस वर्ण के आगे संयुक्त अक्षर हो उसके पूर्ववर्ती वर्ण भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु के लिए क्या करते हैं, जहां संयुक्त अक्षर हो उसका प्रथम अक्षर और दीर्घ वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग जहां होते हैं उसे गुरु कहा जाता है। बस ये 4 चीजें याद रखने की आवश्यकता है। हां एक चीज याद रखिए, कहीं कहीं पादांत में आने वाले लघु वर्णों को भी गुरु मान लिया जाता है, ऐसा कालिदास के काव्यों में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एक और छोटी बात जानने की जरूरत है, वह है यति। यति अर्थात विराम, जहां हम विश्राम लेते हैं, छंदों के गायन के समय थोड़ा सा रुकते हैं, जहां ठहराव होता है उसे हम यति कहते हैं। इसे कई पारिभाषिक शब्दों द्वारा भी संकेत किया जाता है, कहां रुकना है उसके लिए। वहां पर कहीं वाण शब्द का प्रयोग मिलेगा, वाण अर्थात पांचवा, कहीं पर अवधि अर्थात समुद्र, 4 समुद्र होते हैं, तो चौथे अक्षर पर जाके रुकना है, पांचवें पर रुकना है। रस का प्रयोग है तो उसका अर्थ है कि वहां पर हमें छठे अक्षर में जाकर यति लेना है। जो भी लक्षणकार हुए हैं, जो भी ग्रंथ हैं, वहां पर छंदों के लक्षण करते समय वर्णों की गणना और यति के बारे में भी बता दिया जाता है। अब चलते हैं अनुष्टुप के बारे में, जो आज मुख्य व्याख्यान का विषय है, और आज जिन लोगों ने अनुष्टुप का उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। मैं जैसा कि कह रहा था, सुवृत्त तिलकम में यह कहा गया है कि किस छंद का प्रयोग किस रस के वर्णन के समय, कैसे वर्णन के समय किस रस में किया जाए, यह कहां है, सुवृत्त तिलकम में है। अनुष्टुप का प्रयोग कहां होता है, जब आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप में है, पौराणिक ग्रंथों की रचना अनुष्टुप में है, जहां पर कहानियां कहनी हो, कथा कहनी हो, वहां हम अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां इतिहास कथन हो वहां हम क्या करते हैं, अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। कथा वर्णन जहां पर हो, खास करके पौराणिक ग्रंथों में अनुष्टुप छंदों का भरपूर प्रयोग किया गया है, या जहां उपदेश प्रधान हो, नीति परक श्लोक आप देखते होंगे वो अनुष्टुप छंद में होते हैं। तो उपदेश प्रधान काव्य जितने हैं उनमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, या जहां सर्ग बंध हो, एक सर्ग से दूसरे सर्ग का बंधन करना हो, सर्गों में अपनी बात रखनी हो, पूरी कहानी एक सर्ग में कह देना हो, वहां भी हम अनुष्टुप में उसका प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी बात कहनी हो तो अनुष्टुप का प्रयोग करते हैं, जल्दी कहानी कह देनी हो तो हम अनुष्टुप का प्रयोग कर लेते हैं।
हाँ, सर्गबंध के लिए कुछ और छंदों का प्रयोग होता है जिसमें वियोगिनी है, सुंदरी है, और आज मेरे व्याख्यान का विषय एक इंद्रवज्रा भी है। तो इंद्रवज्रा छंद का भी प्रयोग सर्गबंध में किया जाता है। इस प्रकार अभी तक हमने जो सुना है उसमें आपने सुना छंद किसे कहते हैं, उसके भेद क्या होते हैं, और भेद कथन पुरस्सर हमने अनुष्टुप छंद के बारे में बताया। अब आपको मैं बताऊं अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है, हम कैसे पहचाने कि यह श्लोक अनुष्टुप छंद का है। इसका श्रुतबोध में, जो कि कहा जाता है यह कालिदास की रचना है, उसमें एक श्लोक प्राप्त होता है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुःपादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस लक्षण से स्पष्ट होता है श्लोके, अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहा जाता है। वस्तुतः प्राचीन काल में जब से ये वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, उसके बाद पौराणिक ग्रंथों की रचना शुरू हुई, उसमें अधिकांशतः अनुष्टुप के ही प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए अनुष्टुप को श्लोक कहा जाने लगा। तो श्लोक में षष्ठम गुरु ज्ञेयम्, छठा अक्षर जो होता है वह गुरु वर्ण होता है, और चारों चरणों में, सर्वत्र का अर्थ होता है चारों चरण में, पांचवा अक्षर लघु होगा। दूसरे और चौथे पाद में वह क्या हो जाएगा, ह्रस्व होगा अर्थात लघु होगा, और सातवां अक्षर सभी जगह क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, यह श्रुतबोध का लक्षण है। एक दूसरा भी आपको मैं बता दूं, इसके लिए उदाहरण आपको मैं कहा ही था, वागर्थावीव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब देख लीजिए इसमें कैसा है, वा पहला, ग थ व और वी का व और व, तो वागर्था वीव का अंतिम जो व है वह पांचवा है, तो पांचवा जो है वह लघु है क्योंकि व में अ लघु वर्ण है। ऐसे ही संप्रक्तौ का स जो है वह छठा है, तो छठे वर्ण क्या होते हैं, गुरु होते हैं, क्योंकि स के बाद जो आधा मोह है संप्रक्त का मोह तो संयुक्ताक्षर है, उसके पहले वाला यह जो सौ वाला ओ है वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। वागर्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये में ती जो है यह पांचवा है, और पत्तये का जो छठा है वह गुरु है, और सातवां क्या है, पार्वती परमेश्वरों, स्वरों में वह जो है वह सातवां अक्षर है जो कि लघु है। इसी प्रकार दूसरा मैं आपको लक्षण बता दूं, जिसे छंदो मंजरी में कहा गया है। छंदो मंजरी में अनुष्टुप का एक अलग नाम प्राप्त होता है जिसे हम वक्त्र वृत्त कहते हैं। यहां पर लक्षण वही कहा गया है, श्लोक अलग हैं लेकिन निहितार्थ वही होता है। पंचमम लघु सर्वत्र, सभी जगह पांचवा अक्षर लघु होगा। सप्तमम द्वि चतुर्थयो, सातवां अक्षर द्वितीय पाद में और चौथे पाद में क्या होंगे, लघु होंगे। ये आसान है, यह लक्षण ज्यादा आसान है, और गुरु मुझे व्याख्यान शायद बीच में रोकना पड़ेगा, मैं चंद्रकांत जी से क्षमा मांगता हूं, बार बार यह आ रहा है कि मेरी बैटरी बहुत ही टेम्परेचर हाई हो गया, कभी भी बंद हो सकता है। तो यहां पर भी लक्षण है, इंद्रवज्रा के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं कह सकता, इसका छोटा लक्षण स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गहा, जो कि 11 अक्षर का होता है और यह समवृत्त है, इसका लक्षण कहा गया है, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गहा, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गहा। इसमें दो तगण
एक जगण और अंत में दो गुरु होते हैं और यति पादांत में होती है। तो इस प्रकार हम इंद्र वज्रा का लक्षण करते हैं। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। ये यति का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम द्विसंधान काव्य को पढ़ते हैं, अर्थात एक ही श्लोक के जहां पर दो अर्थ निकलते हैं या अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम द्विसंधान काव्य कहते हैं। वहां पर कहां यति लेनी है, कभी वहां उन्हीं छंदों का प्रयोग करता है जहां की उसे विशेष रूप से अर्थ स्पष्ट करना हो, यति के द्वारा वहां हम अर्थ भेद कर लेते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको अनुष्टुप छंद का उदाहरण बताया और इंद्र वज्रा छंद का भी लक्षण बताया। आगे जब आप उपजाति का लक्षण पढ़ेंगे सुनेंगे उसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का लक्षण आपको बताया जाएगा। मैं यह आशा भी करता हूं कि आपको दोनों के लक्षण बताए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों छंदों के मेल से उपजाति छंद बनता है। तो वहां आप और भी उदाहरण प्रत्युदाहरण के द्वारा इसे देख सकते हैं। संक्षेप में यह वृत्त रत्नाकर ग्रंथ बहुत ही अच्छा है कि इसके लक्षण में ही उदाहरण भी घटित हो जाते हैं। जैसे स्यादिन्द्र वज्रा में ही आप देखिए दो तगण है, तारा ज तगण का हुआ, तो स्या में आ ता दी वाला ई वह गुरु हो गया, क्योंकि आगे आधा जो नो है वह गुरु है और द्र वाला र जो है वह, तो ये तगण हो गए। फिर जगण, ऐसे करके आप एक जगह कॉपी में लिखें इस लक्षण को, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, पादांत यति रुक जाते हैं गह कहने के बाद, और उसके बाद श्लोक को घटित करके देखें। बस आज इतना ही कहकर विराम लेता हूं, फिर यदि कभी समय मिला तो विस्तार पूर्वक कहूंगा। और अंत में मैं आपको बताता चलूं कि छंदों के बारे में मैंने अपने ब्लॉग पर भी दो लेख लिखे हैं, यूट्यूब पर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के भी व्याख्यान उपलब्ध हैं और बहुत सारे स्रोत इंटरनेट पर उपलब्ध है जिससे आप छंद के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन को आरम्भ करने वाले अपने परम मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस हेतु आमंत्रित किया और दो शब्द यहां बोलने का अवसर दिया। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।